Okay, so student, today our topic is this means distance of a point from a straight line. So very important and useful topic of a straight line. So let's take the equation of the straight line. Now before finding, if you have any point P, let us suppose this is x1 and y1 and this is a straight line. So let us suppose straight line has the equation ax plus by plus c is equal to 0. अब जब हम डिस्टेंस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन से बात करें तो बेटा स्ट्रेट लाइन और पॉइंट के बीच में तो दे आर मैनी डिस्टेंसेस, बहुत सारे डिस्टेंसेस रहेंगे. हम किस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं इनमें से? वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस ऑफ ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मीन्स दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस. Means when I am talking about the distance of a point from a straight line, we are talking about the perpendicular distance of a point from a straight line. Means this perpendicular distance, this distance. Means let us suppose if you will put perpendicular from P to this line, let us suppose this point is M. Then we want to get the value of PM. ये value हमने निकालनी है. ये आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि ये वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, करेक्ट. अब हमें ये किस तरह से निकालेंगे, क्या करेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट, नाउ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल. नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस सिचुएशन. अगर आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एक इक्वेशन लेते हो तो ऐसी लाइन एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं पे तो कट करेगी. मान लीजिए ये जो हमारे पास लाइन है ये इस तरह से है, ये हम लाइन है हमारे पास ए बी लाइन, ये एक्स एक्सिस को ए के ऊपर कट कर रही है वाई एक्सिस को, ये लाइन है और ये पॉइंट है हमारा पी, करेक्ट. ये पी पॉइंट है एक्स वन एंड वाई वन. अब क्या कीजिए, ये हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, ये परपेंडिकुलर हम निकालना चाहते हैं पीएम. बड़े ध्यान से देखना, इस लाइन की इक्वेशन है द लेट इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी इज ए एक्स, अपन उसका शॉर्ट में ले लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. ये लाइन एक इक्वेशन है ऑफ स्ट्रेट लाइन. अब आप क्या करोगे, ये जो लाइन है जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है वो ए पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई जीरो होता है. अगर आप वाई जीरो पुट करोगे तो ए एक्स एट वाई इज इक्वल टू जीरो, तो ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो दिस इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस सी ओवर ए. जब वाई जीरो तो एक्स की वैल्यू माइनस सी ओवर ए है, तो ये जो पॉइंट होगा ए दैट विल बी माइनस सी ओवर ए कॉमा जीरो, करेक्ट. सो ये जो पॉइंट बी है, ये जो बी पॉइंट है ये वाई एक्सिस के ऊपर है, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है. सो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो आप यहाँ जीरो पुट करोगे, यू विल गेट बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो वाई की वैल्यू आ गई माइनस सी ओवर बी. तो ये बी पॉइंट जो है ये बन गया एक्स जीरो वाई माइनस सी ओवर बी. लो जी, ए और बी पॉइंट आ गए. बेटा जी आपको पता है अगर मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ, ये लो करेक्ट, मैंने ज्वाइन कर दिया. जब मैंने ज्वाइन किया तो आपको पता होना चाहिए ये ट्रायंगल बन गई ए बी पी. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी, मैं आपको बता रखा है कि अगर हमारे पास तीनों वर्टिसेस दिए हों तो उसका एरिया निकालना है, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले पहला पॉइंट लोगे एक एक्स वन वाई वन, दूसरा पॉइंट हम ये ले लेते हैं माइनस सी ए जीरो, तीसरा पॉइंट ये वाला जीरो माइनस सी वन अपॉन ए, और तो पहला पॉइंट फिर से दोबारा रिपीट कर दो. तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल दिस एंड क्रॉस दिस माइनस दिस क्रॉस दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो एरिया जो आएगा हमारे पास ट्रायंगल का ए बी पी का दैट विल बी इसको जीरो इंटू एक्स माइनस अपनी तरफ से दिस इंटू दिस जीरो, वन बाई टू बाहर होता है, वन बाई टू मॉडुलस, मॉडुलस
मतलब पॉजिटिव लेना होता है एरिया, दिस इंटू दिस जीरो माइनस दिस, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया जीरो प्लस सी ओवर ए वाई वन प्लस नाउ दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ये मेरे पास है जीरो, ये इसे मल्टीप्लाई हुआ तो गलत हो गया, ये सी ओवर बी है, ये माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, और ये जीरो प्लस दिस इंटू दिस, ये वाई वन है, ये जीरो माइनस माइनस प्लस जीरो प्लस सी ओवर बी एक्स वन, ये आ गया हमारे पास एरिया। इसको मैं थोड़ा सा रीराइट कर देता हूँ, वन बाई टू, तो ये हो गया हमारे पास सी एक्स वन अपॉन बी सी वाई वन अपॉन ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, करेक्ट। तो अब हम चलते हैं आगे, इसी ट्रायंगल का एरिया आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे ये बेस है और हाइट हमारे पास पी एम है, बेस ए बी है, ए बी की पहले लेंथ निकाल लेते हैं, मतलब बेस हमारे पास ए बी और हाइट हमारे पास पी एम, हाफ बेस हमारे पास ए बी और हाइट हमारे पास पी एम, ए बी की वैल्यू जो निकाली जा सकती है, क्योंकि ए पॉइंट जो हमारे पास गिवन है वो है हमारे पास माइनस सी अपॉन ए जीरो, और जो बी पॉइंट है दैट इज जीरो माइनस सी अपॉन बी, करेक्ट। तो इसको जरा डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकाल लिए, ए बी के डिस्टेंस दैट विल बिकम एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर मीन्स माइनस सी वन ए का होल स्क्वायर, और वाई टू माइनस वाई वन मतलब माइनस सी अपॉन बी का होल स्क्वायर। सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, करेक्ट। ये डिस्टेंस ए बी का आ गया, ओके। तो हमारे पास ये सी स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो ये रह गया वन ओवर ओवर द रूट होगा, वर्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ, सी स्क्वायर कॉमन निकल गया वन ओवर ए स्क्वायर प्लस वन ओवर बी स्क्वायर, दिस विल बी सी स्क्वायर, एलसीएम लिया ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर ये आ गया इधर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर कॉमन निकल गया बाहर, सी निकल गया, इसका भी रूट खत्म हो गया, ए बी का ए बी आ गया, अंदर आ गया ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास आ गया ए बी, तो हाफ ए बी, ए बी की वैल्यू आ गई सी अपॉन ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एरिया हो गया। और बेटा हम तो एरिया ऑलरेडी भी निकाला हुआ है, ठीक है, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं। देखो ये दोनों एरिया सेम है, कहने का मतलब दोनों एरिया सेम ही ट्रायंगल के हैं, तो इधर हमारे पास क्या है, ये वाला पहले देखते हैं, सॉरी साथ में पी एम, तो इधर है हाफ सी ओवर ए बी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पी एम, और ये एरिया कौन सा है, हाफ, इधर एलसीएम ले लीजिए ए बी, अगर आप ए बी एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे ए बी से डिवाइड हुआ बी तो ऊपर आ जाएगा, और यहाँ से सी कॉमन निकाल दो, सी बाहर कॉमन निकाल दो, यहाँ रह जाएगा ए एक्स वन बी वाई वन प्लस एक सी बाहर निकल चुका है, तो इधर सी रह गया, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, ध्यान देना जरा। अब देखो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया रूट ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पी एम, हमारे पास आ गया रूट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और ये पी एम जो डिस्टेंस है बेसिकली जो हमें निकालना था, ये आ गया मॉडुलस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे आ गया। लो जी, दिस इज द फार्मूला फॉर, अगर हमारे पास एक पॉइंट हो,
और एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से। तो ये जो डिस्टेंस होगा क्या करोगे, ये पॉइंट एक्स की जगह पुट कर दोगे, ये पॉइंट जो है वाई की जगह पुट कर दोगे, ये देखो ऊपर पूरी की पूरी लाइन में, और डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला दैट वी नीड टू रिमाइंड, वी नीड टू मेमोराइज फॉर द फ्यूचर क्वेश्चंस। ओके, अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपको, इट इज़ वेरी इजी टू सी दिस क्वेश्चन। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, दिस पॉइंट ये है और लाइन की इक्वेशन ये है। आपको पता है कि अगर पॉइंट पी एक्स वन हो और लाइन की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो डी है दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है, तो दिस विल बी, ध्यान देना, लाइन की इक्वेशन ये है, पॉइंट आपके पास एक्स वन वाई वन ये है, तो दैट विल बी 12। एक्स की जगह क्या पुट करोगे, 3 माइनस 5, वाई की जगह क्या पुट करोगे, 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, 12 स्क्वायर, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई, माइनस 5 का स्क्वायर मॉडुलस, सो दैट विल बी 12 इनटू 3 36 माइनस 20 प्लस 7 अपॉन 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 36। यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, 36 प्लस 20 निकाल दिए 16, 16 प्लस 7 23 और 144 ये आ गया 169। 169 का रूट होता है हमारे पास 13। सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस डिस्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ये तो हम निकाल लेंगे इस पॉइंट से इस लाइन की, एंड आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट। कहने का मतलब अगर ये लाइन हमारे पास y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है, ये पॉइंट हमारे पास 2 माइनस 3, मान लीजिए ये P पॉइंट है, इसको परपेंडिकुलर फेंका, ये मान लो M है, तो एक तो PM की वैल्यू निकालनी है, एक हमने इस M के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जो फुट बन गया ना उस परपेंडिकुलर का फुट बना लाइन के ऊपर, तो दैट वी वांट टू फाइंड। सो सबसे पहले तो यू नो दैट द गिवन लाइन इज, देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, 2x ये y उधर जाके माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। सो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम पॉइंट कौन सा, पहले पॉइंट लिख लो कौन सा, पॉइंट 2 माइनस 3 फ्रॉम द लाइन 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज डी, है ना, इज इक्वल टू डी, और दैट विल बिकम, आपको पता फार्मूला ए एक्स वन, एक्स वन फार्मूला आप यूज करें, एक्स वन की वैल्यू क्या है, 2 माइनस वाई, वाई की जगह आप पुट करोगे माइनस थ्री ऑन कोफिशेंट ऑफ एक्स, 2 का स्केयर प्लस माइनस 1 का स्केयर, सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 2 का स्केयर 4 प्लस 1 का स्केयर 5 रूट 5, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर आ गया 4 ओवर रूट 5। ठीक है, 2 इंटू 2 4 माइनस माइनस 3 और ये कैंसिल हो गया क्योंकि माइनस 2 है ना, सॉरी रॉन्ग हो गया, ये पॉइंट उन्होंने कुछ अलग दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस 2 है, यहाँ प्लस 3 है, तो ये माइनस 2 है प्लस 3 है, तो ये रॉन्ग हो गया,
कोई प्रॉब्लम नहीं, वी कैन रेक्टिफाई इट. सो दैट विल बी इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 2 माइनस वाई, वाई की वैल्यू 3 माइनस 3. तो देखो माइनस 4 माइनस 3 माइनस 3 तो ये आ गया माइनस 10 रूट 5. तो नेगेटिव को तो ख़त्म करना है, मॉडुलस ले लिया 10 रूट 5, इसको ज़्यादा करोगे रैशनलाइजेशन कर दो तो दैट विल बी 10 रूट 5, रूट 5 इंटू रूट 5 5 ये कैंसिल हो गया, तो 2 रूट 5 हमारे पास आंसर आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब हम निकालना है एम के कोऑर्डिनेट्स. सो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम आर ए कॉमा बी, मान लीजिए उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब एम के कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी, ए कॉमा बी. अब आप देखो किसी लाइन के ऊपर दो पॉइंट दिए हों, हमें अब ए बी की वैल्यू निकालनी है किसी भी तरीके से, तो उसकी स्लोप निकाल सकते हैं. ठीक है जी, स्लोप निकाल सकते हैं. कैसे? स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. सो तो y y हमारे पास एक पॉइंट है तो ए बी है, एक पॉइंट हमारे पास 2 माइनस 3 है, तो पी एम लाइन की स्लोप निकालेंगे तो दैट विल बी इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस ए और 2 माइनस बी, करेक्ट. y2 टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये हमने स्लोप निकाल ली. नाउ ये जो इस लाइन को बोल देते हैं हम ए बी. सो ऑल्सो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ए बी की स्लोप क्या होगी? ये लाइन है ना हमारे पास 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0. आपको पता है माइनस कोफिशियंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ y, दिस स्लोप का फार्मूला हमने किया था. तो a जो a है यहाँ पे 2 है और b जो है माइनस 1 है, तो हमारे पास 2 आ गया. ठीक है जी, तो कोफिशियंट ऑफ जो हमारे पास ए बी की स्लोप ये आ गई बेटा ये देर. अब हमें पता है कि ए बी एज जो पी एम है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है. पी एम की स्लोप ये है, ए बी की स्लोप ये है, इसका मतलब आपको पता है कि दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं उनकी स्लोप का, इसको हम एम वन मान लेते हैं, इसको हम एम टू मान लेते हैं, दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन होता है. इसका मतलब क्या हुआ? माइनस थ्री माइनस ए टू माइनस बी इन टू टू इज इक्वल टू माइनस वन. इससे क्या आ गया? ध्यान दो कि माइनस माइनस ये माइनस से कैंसिल हो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ इधर, ये टू इधर मल्टीप्लाई हो गया, टू इंटू थ्री सिक्स, टू इंटू ए टू ए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ इधर आ गया जी टू माइनस बी, ये बी उधर चला गया, टू ए प्लस बी, और ये टू जो है ये सिक्स इधर आ गया माइनस सिक्स, जाओ उधर ही ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, सिक्स माइनस टू हो गया तो हमारे पास आ गया प्लस फोर. इसको इक्वेशन नंबर टू लिख लिया. ये ए बी के अंदर इक्वेशन आ गई, ए बी की वैल्यू निकाल ली. अब देखो ये जो पॉइंट है ना एम, ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है. ओके, आल्सो आल्सो पॉइंट एम ए बी लाइज ऑन लाइन ए बी, देयरफॉर जो लाइन ए बी है हमारे पास वो हमारे पास 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो 2x, x की वैल्यू हमारे पास a है, ये a सेटिस्फाई करेगा उसको, और b हमारे पास y की जगह b है माइनस 3. ये मेरे पास इक्वेशन एक और आ गई, क्वेश्चन नंबर 3. अब 2 एंड 3 को हम सॉल्व करके ए बी की वैल्यू निकालेंगे. अब आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ से बी को निकाल लिया, बी की वैल्यू यहाँ पे आ गई, या यहाँ से बी निकाल लो, यहाँ से बी निकाल लेते हैं, बी उधर ले जाते हैं, बी की वैल्यू आ गई 2a माइनस 3. तो ये बी जो है इस लाइन में पुट कर देते हैं, हमारे पास क्या है 2a प्लस बी,
बी की जगह आप ये पुट कर दीजिए, 2a-3 + 4 = 0। 2a 2a कितना हो गया 4a, और इधर आ गया +1 = 0। ए की वैल्यू हमारे पास देखो ना, ये चेंज कर दिया था, यही गड़बड़ हो गई, सॉरी इधर नहीं चेंज किया, पॉइंट ये था ना हमारे पास -2 और +3, यहाँ नहीं चेंज किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये 3 - a + 3 बिल्कुल ठीक है, और -2 - b करेक्ट, ओके। सो बेटा ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, हमने वो गलत पॉइंट ले लिया, कर तो सही रहे थे पर पॉइंट हमने रॉन्ग ले लिया था। तो कुछ नहीं, हमारे पास वैल्यू निकल चुकी है 3 - a, y2 - 3 - b, y2 - b ए आना था, क्वेश्चन आ गया था यहाँ पे। सो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ a = -1/4, ये वैल्यू ए की आ जानी थी, ये ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, बी की वैल्यू 2। अब पॉइंट हमने रॉन्ग ले लिए, जिसकी रॉन्ग हो सकता है, अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये -2/4 आ गया, ये मतलब -1/2 आ गया, -3 = 6, -7/2, तो ये हमारे पास पॉइंट बन गया -1/4 अकॉर्डिंग टू जो हमने पॉइंट लिया है, ये आंसर हो जाएगा, ये एम के कोऑर्डिनेट्स हो गए आंसर।